न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जैसे आप पसंद करते आ रहे हैं। पूरी दुनिया में एक डर फैला हुआ है। डर का नाम है ओमिक्रॉन, कोरोना का नया वेरिएंट जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। सिर्फ एक हफ्ते में स्थिति ये बना दी है कि ओमिक्रॉन 30 देशों में फैल चुका है और करीब 382 मामले अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से सर्वाधिक मामले 200 के करीब मामले दक्षिण अफ्रीका में रिपोर्ट किए गए हैं। साउथ अफ्रीका में ही सबसे पहला ओमिक्रॉन का मामला रिपोर्ट किया गया था, 24 नवंबर को पहला मामला आया था, और उसके बाद अब करीब 200 मामले वहां पर रिपोर्ट किए जा चुके हैं। स्थिति ये बन गई है कि साउथ अफ्रीका में लेवल 1 का लॉकडाउन लगा दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन की वापसी चाहे वो किसी भी देश में हुई हो, ये डराती है। क्यों? क्योंकि ओमिक्रॉन भारत भी आ चुका है। भारत में भी अब 2 मामले देखे गए हैं। इसके साथ ही कई मामलों में संदिग्धता देखी जा रही है, यानी कि कई ऐसे कोविड पॉजिटिव मिले हैं जिनकी जीनोम सिक्वेंसिंग की जा रही है, और ये आशंकाएं हैं कि मामले बढ़ सकते हैं ओमिक्रॉन के। ओमिक्रॉन को लेकर इतना डर क्यों है? डर इसलिए है क्योंकि ओमिक्रॉन को एक्सपर्ट्स ने साफ तौर पर डेल्टा से करीब 5 गुना ज्यादा घातक बताया है, खतरनाक बताया है। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये डेल्टा से 5 गुना ज्यादा संक्रामक इन्फेक्शियस है। साफ तौर पर नरेश त्रेहन ने कहा है कि एक ओमिक्रॉन का जो मरीज होगा, यानी कि जिसको ओमिक्रॉन से कोरोना होगा, वो 18 से 20 लोगों में ओमिक्रॉन वायरस को स्प्रेड कर सकता है। आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा है। इसलिए ओमिक्रॉन को लेकर चिंताएं तेज़ हैं, भारत में नहीं पूरी दुनिया में है। 30 देश ऐसे हैं जहां पर ओमिक्रॉन मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सील कर दिया है, यानी कि किसी भी तरह की आवाजाही को रोक दिया है। भारत में भी कई सारी एडवाइजरी लागू कर दी गई हैं। ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। इसका एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका है। करीब 200 मामले आए और उसकी वजह से वहां पर लॉकडाउन लेवल 1 लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं, यानी कि मेडिकल सर्विसेज जो हैं, वो खराब होती जा रही हैं। पहले 4000 मामले सामने आए, फिर 8000 कोविड टोटल मामले आए, 4000, 8000, और अभी बीते 24 घंटे में 11000 से ज़्यादा कोरोना मामले वहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ ही इनमें से अब चेक किया जा रहा है कि किनको ओमिक्रॉन वेरिएंट है। ज़्यादातर पूरी दुनिया में इस वक्त डेल्टा वेरिएंट है जिसकी वजह से कोरोना हो रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट अगर बढ़ा तो स्थिति खराब कर देगा, क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा से 5 गुना ज़्यादा घातक है। अगर आपको ध्यान आता है तो अप्रैल मई में डेल्टा वेरिएंट ने देश में हाहाकार मचा दिया था। क्यों मचा दिया था? क्योंकि वो अब तक सबसे ज़्यादा घातक था। कोरोना वेरिएंट में सबसे घातक वेरिएंट डेल्टा था, जिसने भारत में दूसरी लहर अप्रैल मई में रखी थी। इसके बाद अब ऐसा वेरिएंट बताया जा रहा है जो डेल्टा से भी ज़्यादा इन्फेक्शियस है, संक्रामक है, तो डर होना लाजमी है। इसलिए एडवाइजरी भारत में भी लागू कर दी है, और पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन बढ़ रहा है। साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा स्थिति को खराब रूप में देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ से ओमिक्रॉन शुरू हुआ और वहीं पर ज़्यादा कम्युनिटी में फैला हुआ है, और स्थिति अब ये है कि वहाँ पर लेवल 1 का लॉकडाउन है। और दूसरी बड़ी बात कि वहाँ पर जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कोरोना मामलों की संख्या बढ़ रही है, वो बहुत ज़्यादा है। एक तरह से देखिए जो डबल और ट्रिपलिंग में जा रहा है, 4000, 8000, और अभी बीते 24 घंटे में 11000 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन सबसे खतरनाक, सबसे घातक, सबसे ज़्यादा संक्रामक इसलिए है क्योंकि एक्सपर्ट्स ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें जो म्यूटेशन हुआ है वो शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा है। केवल स्पाइक प्रोटीन का जो म्यूटेशन है वो 30 से ज़्यादा बार हुआ है। स्पाइक प्रोटीन ही वही वजह है जिससे कोई भी वायरस हमारे शरीर में एंट्री करता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा घातक है। इसके साथ ही ये भी हमारे सामने बात है कि इससे बचा कैसे जाए, तो एक्सपर्ट्स ने प्राइमा फेसिया में जो बात कही है उसमें साफ तौर पर कहा है कि वैक्सीनेशन ही वो व्यवस्था है जिससे किसी भी वेरिएंट से, कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बचा जा सकता है। इसलिए हर तरफ से अपील की जा रही है कि वैक्सीनेशन को अपनाया जाए। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि किसी भी तरह से वैक्सीन ज़रूर लें। अगर आपने पहली वैक्सीन ले ली है तो अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी वैक्सीन लें। इसके अलावा जो फॉलोअप्स हैं,
यानी कि मास्क लगाना उसको बिल्कुल ना भूलें, सैनिटाइजिंग ज़रूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें।